फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आ गई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, और ये जो रेसिपी है ये सभी को बहुत पसंद आती है, सबका फेवरेट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई स्पेशल दही पूरी, जो हम बनाएंगे एयर फ्रायर से। हम ये पूरियों को फ्राई नहीं करेंगे, एयर फ्रायर से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। हमने थोड़ा सा पूरियों में तेल लगा लिया है, अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है तेल में और पूरियों में, और फिर हमने इसको एयर फ्रायर में डाल दिया है। बहुत झटपट बन जाती है, बहुत हेल्दी भी है, समथिंग डिफरेंट है कि तेल में नहीं है, हम एयर फ्रायर में कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रखेंगे 10 मिनट तक, और देखिए पूरी अच्छे से फूल जाती है। देखिए आपने पूरी गोल गोल हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए आप, ये तो मेरा बहुत फेवरेट स्नैक्स है। देखिए बहुत जल्दी फूल जाती हैं, और हमें फ्राई करने में तो बहुत टाइम लगता है, और एयर फ्राई में बहुत जल्दी हो जाती है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और कलर भी बहुत अच्छा है। कलर भी आपको अच्छा लगता होगा, और खाने में भी बहुत क्रिस्पी और क्रंची रहती है। इसलिए हम इसको हम बनाएंगे दही के साथ। ये मैंने अपने घर का दही ले लिया है, मीठा होना चाहिए दही। इसमें मैंने शक्कर डाली है, हमें अब शक्कर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर अब चलो पूरियों को हम असेंबल करते हैं। पहले हम इसके अंदर एक होल बना लेंगे, ताकि सारे मसाले इसके अंदर हम डालेंगे। ये मेरी फैमिली का बहुत फेवरेट है फ्रेंड, आई थिंक ये सबको ही अच्छी लगती है ये स्नैक। तो ये मैंने रगड़ा ले लिया था, ये मेरे पास पड़ा था रगड़ा। आप आलू भी ले सकते हैं, चने भी ले सकते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मूँग भी डाल सकते हैं, काले चने भी डाल सकते हैं। और ये मैंने थोड़े चने ले लिए हैं, नमकीन चने, जो नमकीन वाले चने होते हैं वो मैंने डाले हैं इसके अंदर। हरी चटनी, ये भी मेरे घर की चटनी है, बहुत टेस्टी है। इसकी रेसिपी है, आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। फिर हम दही डालेंगे सब में, चटनी के बाद दही डालेंगे। दही के बाद अभी हमने थोड़ी लाल मिर्च डाली है, इसको थोड़ा अच्छा टेस्टी चटपटा बनाएंगे। ये मेरे घर की मीठी चटनी थी, फिर मैंने इस पर दही डाला है। जो भी आपको जैसे भी लगे आप बना सकते हैं, सब में अच्छे लगते हैं। ये मैंने थोड़ा भुना हुआ ज़ीरा डाला है, सेव डाले हैं मैंने, फिर से मैंने दही डाला है। और देखिए ऊपर से सेव डाल के फिर से चने की दाल की नमकीन डाल दी मैंने उसके ऊपर, और देखिए हमारा दही पूरी बन के तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए और मुझे बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है, अपना फीडबैक दीजिए। और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक यू।